हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गंभीर सर आप सभी का वाईफाई क्लासेस चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की पार्ट फर्स्ट वीडियो है, जिसमें मैं आपको क्रम वाइज यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही पार्ट के द्वारा कंप्लीट, जो आपको कंसेप्ट बेसिस से आप बिना ट्रिक के, बहुत सारी ट्रिक यूज़ करते हो आप पर वो ट्रिक यूज़ नहीं करनी है, इस तरह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इजी वे में क्लियर कराऊंगा। कम से कम 9 या 10 पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस के मैं आपको क्लियर इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो वाईफाई क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और उसके सामने एक बेल आइकन आ रहा होगा, घंटी, उसे प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का जो रेगुलर अपडेट है वो मिलता रहेगा। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट जो है उनको क्लियर करा देता हूँ। लाभ हानि। लाभ जब होता है तो हम किसी भी वस्तु को महंगी बेचते हैं, यानी कि जितने की खरीदते हैं उससे महंगी बेचते हैं। तो लाभ जब होगा तो जैसे आप 100 रुपये की कोई चीज़ है तो उसे ज़्यादा की बेचोगे, और हानि जब होगी तो उसे आप हमेशा कम की बेचोगे। क्लियर? आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूरी पढ़नी है तो यहाँ पर मानना है कि क्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा 100% होता है। कितने परसेंट होता है? 100% होता है। क्लियर? ये वाली चीज़ क्लियर करनी है। और बट्टा जब पढ़ेंगे तो वहां पर अंकित मूल्य 100% मानेंगे, डिस्काउंट वाले चैप्टर में। अब जैसे कि अगर मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी वस्तु पर 10% का लाभ होता है, तो लाभ के लिए हमें प्लस का चिन्ह यूज करना है पूरे चैप्टर के अंदर, और हानि के लिए माइनस का करना है। प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते, 100 का भाग दे देते, तो 10/100। तो नीचे की तरफ जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा, और ऊपर की तरफ क्या रहेगा, लाभ या हानि। लाभ है तो प्लस का चिन्ह, हानि होता तो माइनस का। अगर सपोज 10 की आप खरीद रहे हो तो 1 का क्या कमा रहे हो, लाभ, तो बेचोगे कितने की, 11 रुपये की। अगर यही ऐसे बोल देता कि हानि हो रही है तो कौन सा चिन्ह लगाते, माइनस। 10 की खरीद रहे हैं, 1 का नुकसान हो रहा है, तो बेचेंगे कितने की, 9 की। इस तरह से मैंने आपको जो ये कंसेप्ट मुझे यूज करना है किसी भी तरह के टिफिकल क्वेश्चन में, वो आपको क्लियर करा दिया है। और कोई भी मैं ट्रिक यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा। जितनी भी 9 या 10 वीडियो होंगी आप कंटिन्यू वीडियो देखें, जिससे कि आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 वस्तु का क्रय मूल्य, आप क्या लिखोगे, 20 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 30 वस्तु के विक्रय मूल्य, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर आप विक्रय मूल्य को यहाँ लेके आओगे नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इधर क्या है, 30, तो 20 कहाँ ले जाना पड़ेगा, नीचे, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्रगुणा करेंगे तो साथ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। क्रय मूल्य के सामने आपको संख्या दिख रही है 30, मतलब सपोज आप ये कर लो कि आपने 30 रुपये की वस्तु खरीदी, और विक्रय मूल्य के सामने जो संख्या दिख रही है 20, आप 30 रुपये की खरीद रहे हो और 20 रुपये की बेच रहे हो, 30 रुपये की खरीद रहे हो और 20 रुपये की बेच रहे हो, तो आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है। लेकिन हानि प्रतिशत क्या होगा, आपको हानि कितने रुपए की हुई, 30 की खरीदी, 20 की बेची, 10 रुपए की। और लाभ और हानि हमेशा ही किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है, 30, 10/30 × 100। दोबारा क्लियर कर लूँ, हमेशा ऊपर जो होगा वो लाभ या हानि होगा, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दे रखा है तो आपने कंसेप्ट ने क्लियर कर लिया। और लाभ हानि हमेशा किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर, तो हर में क्या होगा, क्रय मूल्य 0 से 0, 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो 33 सही 1/3% की उसे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्लियर? कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसे भी कराऊंगा जिसमें लाभ या हानि क्वेश्चन में बोल रखा है कि विक्रय मूल्य पर होती है, तो वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यदि 18 सेब को बेचने पर 4 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करोगे, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, शॉर्ट में लिखना है, इजीली बिना किसी ट्रिक के हो जाएगा। 18 सेब को बेचने पर आपने मान लिया कि विक्रय मूल्य कितने रुपए, 18 रुपये, कोई भी चीज़ हो, सेब, संतरा, मौसमी, कुछ भी हो, विक्रय मूल्य कितना है, 18। 4 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि। आप कोई चीज़ 18 की तो बेच रहे हो और 4 का आप समझ लो कि 4 रुपये का नुकसान हो गया, इसका मतलब खरीदी ज़्यादा की होगी, तो 18 और 4 कितने की खरीदी होगी, 22 की, ऐसे समझ सकते हो। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि लाभ हो जाता है, तो 18 की हमने खरीदी है,
चार का लाभ हो रहा है, इसका मतलब खरीदी कितने की होगी? 14 की। इस तरह से आप सोच सकते हो। तो क्रय मूल्य के सामने 22 दिख रहा है, विक्रय मूल्य के सामने 18। 22 की खरीदी है, 18 की बेची है, तो कितनी क्या हो रहा है? हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? हानि कितने की हुई? 4 की। लाभ हानि हमेशा किस पर होते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य के सामने 22, 4/22 गुणा 100। देखो आप इसको काटोगे तो 2 से 11 बार, 2 से 2 बार, तो 2 का गुणा 100 से किया तो 200/11, और इसका भाग दोगे तो 11 एकम 11, 9 0 11 8 88, तो 18 सही 2/11% का क्या हो गया? नुकसान हो गया। इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन को भी कर लिया। क्लियर? लाभ होता तो आप क्या करते? हमेशा क्रय मूल्य क्या लेते? कम। और हानि हो रही है तो क्रय मूल्य क्या होगा? ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि 20 पेंसिल का क्रय मूल्य, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है रेलवे में, RRB ALP में ही पूछा है, इसी बार जो सेकंड पेपर हुआ था उसी का क्वेश्चन है। यदि 20 पेंसिल का क्रय मूल्य तथा 8 पेन का कुल क्रय मूल्य 400 रुपये, मतलब 20 पेन है प्लस 8, सॉरी 20 पेंसिल हैं और 8 क्या है? पेन। उनका कुल क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपये। अब क्वेश्चन में बोला गया यदि पेन का औसत क्रय मूल्य 25 रुपये, मतलब प्रत्येक पेन का एक तरह से औसत क्रय मूल्य कितना है? 25। अब आपने खरीदे कितने पेन है? 8, तो 25 गुणा 8 करेंगे तो कितना रुपए के खरीदे हैं पेन? 200 रुपये के पेन खरीदे, तो टोटल तो हमने 400 की चीज़ खरीदी है, तो 200 रुपये में तो क्या आ गई? पेन आ गई। तो बाकी के जो 200 रुपये होंगे उसमें क्या आएंगी? पेंसिल। तो 200 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदी है? 20 पेंसिल, तो प्रत्येक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? 10 रुपये। किसका? प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 रुपये। अब आपको क्या बोला गया है? तब 20% का लाभ कमाने के लिए प्रति पेंसिल तथा पेन की कीमत क्या होगी? देखो अगर मैं आपको बात करता हूँ कि मैंने 10 रुपये की एक पेंसिल खरीदी है और मुझे 20% का लाभ कमाना है, तो 10 का 20% 2 रुपये होता है, 20% का मतलब 5 पैसा, तो मैं कितने की बेचूंगा? 12 रुपये की, 12 रुपये की एक पेंसिल बेचूंगा। क्लियर? अब यहाँ पे पेन कितने का खरीदा था? 25 का, उस पर कितने का लाभ कमाना है? 20%, 20% का मतलब होता है 5 पैसा, 100 का क्या होता है? 5 पैसा होता है, तो 25 का 5 पैसा क्या हो जाएगा? 30, तो मैं कितने रुपये का बेचूंगा पेन? 30 रुपये का। इस तरह से पेन की जो कीमत होगी विक्रय मूल्य, 20% का अगर लाभ कमाना है तो प्रति पेन 30 रुपये का और प्रति पेंसिल 12 रुपये की, क्योंकि यहाँ 10 रुपये की मैंने खरीदी थी प्रति पेंसिल, उस पर 20% यानी कि 2 रुपये का लाभ कमाया है। प्रत्येक पेन 25 रुपये का खरीदा था, उस पर 20% यानी कि 5 रुपये का लाभ कमा करके 30 रुपये की बेचूंगा। क्लियर? तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। इससे अगले वाले पार्ट में आप बेईमान दुकानदार वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह के क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट मैटर सेकंड पार्ट में आप देखोगे। क्लियर? सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को इस चैनल से जोड़ सकते हो, जिससे कि वो भी अपने घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गंभीर सर आप सभी का वाईफाई क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो वाईफाई क्लासेस रेड कलर में आ रहा होगा उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को इस चैनल से जोड़ सकते हो, और इसके सामने वेल आइकन जो आता है उसे आप प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का जो रेगुलर अपडेट है वो मिलता रहेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट है, जिसमें मैंने बेईमान दुकानदार से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको इस वीडियो के अंदर आपको कंबाइंड किया हुआ है। जिनकी प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही वीक है या जो थोड़ा सा घूम करके क्वेश्चन नहीं आ सकता है, वो इस चैनल पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। ये सेकंड वीडियो है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका स्टार्ट करते हैं। यदि कोई बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 860 ग्राम तोलता है, तो इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो हम कोई भी वस्तु जब मार्केट में लेने जाते हैं तो हम कितनी लेने जाते हैं? 1000 ग्राम होनी चाहिए 1 किलोग्राम पर। लेकिन अगर हमें वो तोल रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में तोल रहा है कितना? 860 ग्राम। ये तो हमें वास्तव में मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो
बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, उस वजह से कितनी दे रहा है, 860 ग्राम दे रहा है। अब कैसे ध्यान रखोगे आप कि ये क्वेश्चन करने का ट्रिक हम या कंसेप्ट जो है वो जिंदगी भर याद रख सके, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये 1000 से 860 तोला, तो कितना कम तोला उसने, 140 ग्राम, ये तो सब बता देंगे। अब अगर ये 800 तोलता तो 200 कम तोला, 700 तोलता तो 300 तोलता, मतलब जितना कम तोलेगा उतना ही ज़्यादा लाभ हो रहा है किसको, दुकानदार को। तो हमेशा दुकानदार जो है वो किस पर लाभ कमाता है, तोलने वाली वस्तु पर, जितना तोलेगा उसके आधार पर लाभ कमाएगा। अब ग्राहक को कितना नुकसान हो रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 860 है तो 140 ग्राम का नुकसान है, लेकिन लाभ और हानि प्रतिशत यानी कि दुकानदार का लाभ और ग्राहक की हानि वो कभी भी समान नहीं होगी, ठीक है। अगर वो 50-50 होता यानी कि 500 तोलता तब समान होता, तो इसलिए जो ग्राहक को नुकसान होगा वो उसको मिलने वाली वास्तविक चीज़ पर होता है, यानी कि ये मिलनी चाहिए थी तो इस पर होगा, और दुकानदार को जो फायदा होगा वो किस पर होगा, जो वो गलत तोल रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन है, यदि कोई बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता है, 860, तो कितना कम तोला, 140, तो ग्राहक का अगर पूछेगा तो ग्राहक को इसमें क्या होगी, हानि होगी, ग्राहक में तो हानि प्रतिशत निकलवाता, और अगर दुकानदार का पूछेगा तो दुकानदार को क्या होगा, लाभ होगा, क्या होगा, लाभ। तो देखो दोनों के कैसे निकालेंगे इसको, अगर पहले इसमें पूछा है दुकानदार व ग्राहक के लाभ व हानि का प्रतिशत क्या होगा, तो दुकानदार को लाभ कितने का हो रहा है, 140, दुकानदार को लाभ किस पर होगा, जो तोला है, तो 140 बटे 860 गुणा 100, 0 से 0 काट देंगे और आप देखोगे तो ये कितना हो गया, काटोगे तो 2 से 43 बार, 2 से 7 बार, 7 का गुणा 100 से किया तो 700 बटे 43, इसको आप सॉल्व करोगे तो 43 से ये काटा तो 1 बार, और फिर बचा आपका 270, इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 16 पॉइंट, और आगे भी अगर आप इसको करो तो ये कुछ आपका 4 के समथिंग आ जाएगा, और भी आप अगर कैलकुलेशन करो तो दुकानदार को लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 16.4 के समथिंग। लेकिन अगर ग्राहक की हानि निकालते आप, तो ग्राहक को हानि कितनी हो रही है, 140 ग्राम की, और ग्राहक को हानि कहाँ पे होगी, जो उसको वास्तविक मिलना चाहिए था उस पर, 140 बटे 1000 गुणा 100, 2 0 से 2 0, इस 0 से ये वाली 0, तो ग्राहक को हानि जो हो रही है वो कितने परसेंट हो रही है, 14%, और दुकानदार को लाभ कितना हो रहा है, 16.4%। तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि जो दुकानदार को लाभ होगा वो जितना कम तोलेगा उस पर होगा, मतलब भाग हम किसका देंगे, इस वाली संख्या का, और जो ग्राहक को नुकसान होगा वो उसको वास्तविक जो मिलने वाली चीज़ है उस पर होता है, तो इसके लिए भाग किसका देंगे, 1000 का। तो इस तरह से हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको इजीली सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ उसमें अलग चीज़ पूछी गई है, उसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड, यदि कोई बेईमान दुकानदार, तो मतलब वास्तविक चीज़ तो 1000 ग्राम है, वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कह तो ये रहा है कि जितने की मैं लेके आया हूँ ना उतना ही बेचूंगा, यानी 1000 ग्राम लेके आया हूँ तो 1000 ग्राम ही आपको दूंगा, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन कम तोले, हमें नहीं पता कितना कम तोले, जिससे कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाए, 25 का। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इसको मान लिया मैंने कम तोला है एक्स, तो कितना तोला होगा, 1000 माइनस एक्स तोला होगा, ठीक है, जिससे कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाए, 25। अभी मैंने दुकानदार का जो लाभ प्रतिशत आपको कराया था, क्या कराया था, कितना लाभ कमा रहा है, एक्स कम तोला है तो एक्स बटे कितना तोला है, 1000 माइनस एक्स, क्योंकि उसको तो तोलने पर लाभ होता है दुकानदार को, गुणा 100, और ये हमें लाभ प्रतिशत किसके दे रखा है, 25 के बराबर, क्या लिख देंगे, 25, 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटा, 4, और यहाँ पे ये कितनी बार कटा, 1, 4 का गुणा x से किया तो 4x, इसका गुणा इसके साथ होगा तो 1000 माइनस एक्स, ये इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का, 4x और x कितने हो गए, 5x बराबर 1000, तो x बराबर कितना हुआ, 200। अगर पूछ रहा है कितना कम तोला, तो 200 ग्राम कम तोला, और अगर पूछ रहा है कितना तोला, तो 1000 में से 200 घटा दिए तो कितना तोला है, 800 ग्राम,
इस तरह से इसी कंसेप्ट से जो मैंने लास्ट क्वेश्चन सिखाया था उसमें आपको लाभ हानि प्रतिशत सॉल्व करना बताया था, इस क्वेश्चन में आपको लाभ और हानि प्रतिशत दे रखे थे। ये पूछ लेता है कितना कम तोल रहा है, कितना ज़्यादा तोल रहा है या कितना अधिक तोल रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो इस वीडियो में आपका ये टॉपिक बिल्कुल इजीली कंप्लीट हो जाएगा और आप फिर अपनी क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेट है उसे प्रैक्टिस करना बिना ट्रिक से। क्लियर। यदि बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है और बेच करके कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है, 10% का। ये बहुत ही अजीब है नहीं वैसे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें दो दो तीन चीज क्या बोल रहा है। यदि कोई बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ कमाता है, अगर आप सपोज 1000 की चीज़ है और 10% लाभ कमाओगे, 10% का मतलब 10 पैसा, तो 1000 पर कितने का लाभ कमाओगे, 100 का, तो कितने का, 1100। मैंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया कि 1000 रुपये की चीज़ थी तो वो हम कितने की बेच रहे हैं उसको, 1100 रुपये की, लेकिन यहाँ हमने मान लिया कि 1000 ग्राम और 1100 ग्राम। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं तोल रहा है, बस समझने के लिए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे मान सकते हो 1000 रुपये और ये 1100 रुपये। फिर क्या कह रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है। मतलब अगर 1000 रुपये के स्थान पर वो कितना दे रहा है, केवल 800 रुपये दे रहा है। देखो, वो खरीद के 1000 लेके आया था, खुद लेके आया होगा तो, और 10% का लाभ कमा रहा है, मतलब 1100, और दे कितनी रहा है, 800। तो 800 दे रहा है और 1100 ले रहा है सपोज इस तरह से, तो कितने कमाया उसने, लाभ कितने का कमाया, 300 का। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत अभी सिखाया था इस तरह के क्वेश्चन, पहले ये देख लो अंतर कितने का है, अंतर है 300 का। ठीक है, डबल कंडीशन वाले क्वेश्चन है। अब दुकानदार जितना तोलता है उसी पर लाभ है, तो दुकानदार ने तोला कितना है, 800 ग्राम तोलता है, तो 300/800 × 100, 2 0 से 2 0, 8 का भाग अगर 300 में देंगे तो 8 × 3 = 24, 6 0 = 60, 8 × 7 = 56, और इस तरह से ये काट करके 48 37.5% का क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है, कौन, दुकानदार। देखो यहाँ उसने 800 ग्राम तोला था, तो मैंने अभी क्लियर करा दिया इस वीडियो में तीनों क्वेश्चन में कि दुकानदार को लाभ उस पर होगा जितना वो तोलेगा। तो यहाँ 800 ग्राम ही तोल रहा है तो 800 पर, लेकिन पहले उसने 10% लाभ के लिए बोला है, तो इसका मतलब ये कितना कर दिया, 1100। अगर यही क्वेश्चन में एक मॉडिफाई करके आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन अगर ये हो जाता तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हो। मैंने क्या बोला है इसमें कि वो 20% का लाभ कमाता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 600 ग्राम तोलता है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे, 1000 ग्राम। 20% का लाभ कमाएगा तो कितना, 1200। 600 ग्राम तोल रहा है तो यहाँ पे 600, कितने का अंतर हुआ, 600 का। 600 में और 1200 में कितने का अंतर है, 600 का, तो 600/, लाभ किस पर कमाएगा जितना तोल रहा है उस पर, तो 600/600 × 100, 2 0 से, या फिर इसको काट दो तो ये कितना बचा, 100%। तो दुकानदार ने अब कितने परसेंट का लाभ कमाया है, पूरा ओवरऑल 100% का। इस तरह से मैंने आपको तीन क्वेश्चन और एक प्रैक्टिस भी करा दी, चौथा क्वेश्चन। ये इसमें आपने जो सीखा है वो ये चीज़ सीखा है कि आप जो बेईमान दुकानदार के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो इजीली कैसे कर सकते हो। तो ये क्लियर हो गया सभी का फंडा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को इस चैनल पर जोड़ें, जिससे कि वो भी अपना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गंभीर सर आप सभी का वाईफाई क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड वीडियो है। इसमें मैं आपको प्रतिशत प्रभाव वाले कुछ क्वेश्चन, जैसे कि ये परसेंटेज वाले चैप्टर में भी होते हैं और प्रॉफिट लॉसेस में भी होते हैं, जैसे कि कोई ग्रैंडी वगैरह से रिलेटेड या दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस तरह के क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वाईफाई क्लासेस आ रहा होगा रेड कलर में, सब्सक्राइब उसे प्रेस कर ले और उसके सामने एक बेल आइकन आता है उसे भी दबा ले, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का रेगुलर अपडेट जो है मिलता रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप एक कंसेप्ट में बताऊंगा और वो कंसेप्ट आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, वो आप अच्छे ढंग से आप सीखना है और ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, जिससे कि आपको इस तरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व करना आ जाए बिना किसी ट्रिक के। भूल जाते
ये प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारी ट्रिक होती हैं, लेकिन वो ट्रिक मैं आपको नहीं बताता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि शक्कर की कीमत में 20% की कमी हो जाए। देखो, आपको पहले मान लेना है कि पहले शक्कर की कीमत कितनी थी, 100, और उसमें हो गई 20% की कमी, तो अब कितनी हो गई, 80% हो गई। पहले अगर सबको 100 रुपये की आ रही थी, उसमें 20 की कमी हो गई, तो वो कितने की आ रही है, 80 की। कोई गृहिणी शक्कर के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, मतलब क्या चीज़ पूछ रहा है, वृद्धि कितने बढ़ाए जिससे कि कुल मासिक व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखना है, क्योंकि ज़िंदगी भर आपको ये वाली लाइन अगर आपके दिमाग में सेट हो गई तो कोई ट्रिक व्रिक की कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, आपको वृद्धि कमी जो भी चीज़ दे रखी है, ठीक है, कितनी दे रखी है, 20। अब आपको बोला गया है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, कोई संख्या का मान बड़ा कब आ सकता है, जब उसका हर छोटा हो, तो 100 और 80 में से कौन सा छोटा है, 80 छोटा है, तो क्या हो गया, 20/80। तो यहाँ जो दे रखा है उसे लिखो, और अगर वृद्धि के लिए पूछ रहा है तो वृद्धि कब ज़्यादा हो सकती है, जब उसका हर छोटा हो, तो 100 और 80 में से कौन छोटा होता है, 80 × 100, 20 × 20, 20 × 80, 4 से काटेंगे तो कितना आ गया, 25% आ गया। क्लियर। अब यही क्वेश्चन मैं अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ तो आप इसी तरह के क्वेश्चन को आप इसी कंसेप्ट से कैसे करोगे। अब ये वाली चीज़ अगर आपके दिमाग में सेट हो गई है तो आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूँ और तब आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे कह दिया कि 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% की वृद्धि हो जाती है, तो कितने प्रतिशत की कमी करे। तो आपको मान लेनी है कि पहले उस वस्तु की कीमत 100% थी, सपोज 100 रुपये किलो थी, उसमें 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई, नहीं, 110% हो गई। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे कि आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो कमी पूछ रहा है, प्रतिशत कमी, कमी कम आंसर कब आ सकता है, जब उसका हर बड़ा हो। तो इन दोनों में से हर किसका बड़ा है, ये 110 बड़ा है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, 10/110×100। इसका मतलब आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि 10/110 पिछले वाले में किया था 20/80, यानी कि इन दोनों का जो अनुपात होगा वहीं से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। क्लियर। इस तरह से जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ट्रिक इसी में ही है, कंसेप्ट में कोई ट्रिक आ गई, अब मेमोरी को फुल करने की ज़रूरत नहीं है, 11 से भाग देंगे तो 9 सही, 1/9% की उसे क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। क्लियर। तो इस तरह से आप जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके कोई भी टाइप क्वेश्चन को आप कर सकते हो, जो भी आपकी प्रैक्टिस बुक वगैरह है उससे करके देखना, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी जैसा है लेकिन थोड़ा उसमें चेंज है। यदि किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर 40% बढ़ जाती है, पहले सपोज टिकट दर 100% थी, अब 40% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो कितनी हो जाएगी टिकट दर, बताओ, 140 हो जाएगी, 100 से 40 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गई, 140। तब दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी, अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो उसकी डिमांड घटती है, जैसे यहाँ टिकट दर 40% बढ़ गई है तो दर्शक क्या कम आएंगे, अगर टिकट सस्ती हो जाती तो दर्शक क्या आते, ज़्यादा आते। फिर आगे क्या है, जिससे सिनेमा हॉल की आय केवल कितने प्रतिशत कम हो, 10%। तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ कि सपोज पहले 100% की आय थी, अब आय कितनी रह गई, 10% कम होकर के 90% रह गई। ठीक है, पहले आय 100 थी, अब 10% की कमी हो गई तो आय कितनी रह गई, 90। पूछा क्या गया है, कितने प्रतिशत की कमी हो, तो अभी चीज बताई थी, कमी कब हो सकती है, कम आंसर कब आ सकता है, जब हर क्या हो, बड़ा हो। तो इस तरह से जब आपको ये दो चीज़ मिल रही हैं, 100% सपोज पहले क्या थी, टिकट दर 40% की वृद्धि हो गई, 140 हो गई, नहीं, दर्शकों की संख्या में 10% की केवल क्या हुई, कमी, तो सपोज पहले 100% दर्शक आ रहे थे, अब 10% की कमी हो गई तो कितने आएंगे, 90। और आपको जो पूछा गया है कितने प्रतिशत की कमी, तो आप क्या ध्यान रखोगे, प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो कम कब आ सकता है, जब हर कैसा हो, बड़ा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में इन वाली चीज़ों को हम काम में नहीं लेते, तो ये वाली चीज़ बची, 140 और 90,
प्रतिशत कमी लेके आनी है, तो हर इसमें कौन सा बड़ा हो सकता है, ये वाली संख्या और ये क्या है छोटी, तो 90/140 × 100। अगर आप काटोगे तो 0 से 0 कट गई, क्या बच्चा 900/14। 14 से अगर हम भाग देंगे तो 14 छक्की 84 हो गया, फिर 6 0, 14 3 42, 14 4 56, फिर बचे 4 14 3 42, लगभग 64.3% आ गया। लेकिन ये 100 से कितना कम है, देखो उसकी आय तो पहले पूछ रहा है कितने प्रतिशत कमी होगी, आय पहले कितनी बनी है 100 और अब कितनी आ रही है 64.3, तो आय में कितने प्रतिशत की कमी हो गई, 35.7% की कमी हो गई। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, आपने बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व किया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का मैं एक थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ जिससे कि आपको एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस हो जाए इसी वीडियो में। अगर हमें यह 30% यहाँ पर कम करने के लिए बोल रहा है और यहाँ पर 20% की वृद्धि के लिए बोला गया है और यहाँ पर वृद्धि पूछी है, तो इसको भी आप इजीली कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो पहले दर्शकों की जो टिकट दर थी वो 100% थी, उसमें 30% की क्या हो गई कमी, तो कितनी रह गई टिकट दर 70%। टिकट की जो दर्शकों की संख्या है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जिससे सिनेमा हॉल की आय 20% बढ़ जाए। पहले आय मान लेनी है 100, बढ़ेगी कितनी 20%, तो कितनी हो गई बताओ 120। अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपकी बार, वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। इस तरह के क्वेश्चन में इनका कोई यूज नहीं है, एक अगर होता है सिंगल वाला तो यूज होता है, डबल वाले में नहीं होता है। तो प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि कब आ सकती है, कोई संख्या का बड़ा मान कब आ सकता है, जब उसका हर छोटा हो। तो इसको नीचे लेंगे इसको ऊपर, 120/70 × 100, 0 से 0 क्या बच्चा 1200/7, 7 का जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा आपका, 7 × 7 5 0 7 49, 17 7 119 होता है, फिर 1 0 7 1 7 7 1 7 फिर बच्चा 7 4 28, लगभग इतना आ गया। तो ये हमने तो आय 100 मानी थी, ये 171.4 आ रहा है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 71.4% की वृद्धि हुई। तो आपके दिमाग में एक चीज़ सेट हो गई होगी, अगर वृद्धि पूछ रहा है तो हर छोटा होना चाहिए, अंश बड़ा होना चाहिए, जब इस तरह के डबल वाले क्वेश्चन है। अगर कमी पूछ रहा है तो हर कैसा होना चाहिए बड़ा और अंश कैसा होना चाहिए छोटा। इस तरह से आप लॉन्ग टाइम तक ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ट्रिकों को आप भूल जाते हो जब प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो इसलिए ट्रिक वगैरह की जो आपकी आदत है उसे खत्म करो, जिससे कि आपका ज़्यादा से जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इजीली करेक्ट हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। यदि किसी टीवी की कीमत 10% कम कर दी जाए, तो हमने मान ली टीवी की कीमत पहले 100 थी, 10% की उसमें क्या कर दी गई है कमी, तो कितनी हो जाएगी बताओ 90%। तब दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा जबकि टीवी की बिक्री 15% बढ़ जाए। तो टीवी की बिक्री सपोज पहले 100 हो रही थी और अब 15% की क्या हो गई है वृद्धि, तो कितनी हो जाएगी 115। अब आप एक चीज़ सोचो, टीवी की कीमत हम 10% कम कर रहे हैं, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा जबकि टीवी की जो बिक्री है वो कितने प्रतिशत बढ़ रही है 15%, तो बिक्री बढ़ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा वो चीज़ समझ लो। तो 10% की उसने क्या की है कमी, तो 100 पहले हमने मान ली कीमत टीवी की 100 है, 10 की कमी हो गई तो कितना रह गया 90। दुकानदार की आय पर पूछ रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे पता नहीं है कि कमी होगी या वृद्धि होगी। तो पहले आय 100 मान लेते हैं, कोई भी बिक्री बिक्री जो है वो 100 मान लेते हैं और उसमें 15% की वृद्धि हो जाती है तो कितनी हो गई 115। पूछा क्या गया है प्रतिशत प्रभाव, तो देखो इसमें इनकी कोई यूज़ नहीं होगा, अभी बताया था। अब जब हम कोई चीज़ को सस्ती कर रहे हैं और उसकी बिक्री उससे भी ज़्यादा हो रही है तो हमारी इनकम जो होगी वो बढ़ेगी, यानी कि प्रतिशत क्या होगी वृद्धि होगी, और वृद्धि कब हो सकती है जब उसका हर छोटा हो और अंश बड़ा हो। तो 115/90 × 100, 0 से 0 और 115 का गुणा 10 से करेंगे तो 1150/9, 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9
2598807063, फिर पॉइंट छः, ये हो जाएगा 7, लगभग इतना। अब आपकी आय पहले कितनी थी, सपोज 100 थी, तो अब बढ़कर के कितनी हो गई, 127.7, तो बढ़ी कितनी, 27.7% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इस तरह से मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन हमने इसमें कुछ चेंज करके इसी तरह के किए थे, तो 5 क्वेश्चन अभी तक कर लिए। एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ जिसमें आप बहुत ज़्यादा ट्रिक या भूल जाते हो कि क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, मैं उसको इसी वीडियो के अंदर आपको क्लियर कराऊंगा, जिससे कि आपका ये प्रतिशत प्रभाव वाला लाभ हानि में भी होता है ये, और आपका परसेंटेज का भी एक चैप्टर होता है, तो वो आपका क्लियर हो जाए। देखो कई बार क्वेश्चन आपको इस तरह से आ जाता है, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी आयत की लंबाई 20% जबकि चौड़ाई 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, कैसे करेंगे। देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो किस में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे होता है। तो आप इसको ध्यान रखो, क्योंकि मैं जब आपको ये क्षेत्रामिति पढ़ाऊंगा तो आपको बिना फॉर्मूले से पढ़ाऊंगा, ठीक है, केवल आप जो चीज़ जानते हो ना उसी से ही बता दूंगा, कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो किस में होता है, मीटर स्क्वायर में। तो लंबाई और चौड़ाई तो मीटर मीटर में होती है कि नहीं होती है, तो मीटर और मीटर का अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, मीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूँ कि सपोज लंबाई कितनी थी पहले 100, उसमें 20% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई लंबाई, 120% हो गई। ऐसे ही चौड़ाई मान ली, चौड़ाई पहले कितनी थी 100, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 30 की, तो चौड़ाई कितनी हो गई, 130% हो गई। कितने प्रतिशत हो गई, 130%। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी कोई यूज़ नहीं होता है। अब देखो ये 2 चीज़ बची हैं, इस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रतिशत प्रभाव निकालना है, तो इन लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो 120 और 130 का हम क्या करेंगे यहाँ पे, गुणनफल 120 गुणा 130 बटे 100, 2 जीरो से क्या हो गई, 2 जीरो कैंसिल, 13 दूनी 26, 13 एकम, 13 और 2 15, 156% आया। तो सपोज पहले क्षेत्रफल यदि 100% था तो कितने की वृद्धि हुई, 56% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और हो कितना गया, 156%। कई बार आपको ये पॉइंट में भी मिल जाता है कि 1.56 गुना हो जाएगा, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ इसमें ही, कई बार आपको ऐसे भी दे देता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए, वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी बढ़ा दी जाए, 20%, कमी का आएगा तो माइनस करोगे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सपोज पहले त्रिज्या 100% थी, 20% हमने बढ़ा दी तो त्रिज्या कितनी हो गई, 120। त्रिज्या जो होती है उससे जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो क्या निकाला जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर का क्या करते हैं हम, त्रिज्या का स्क्वायर करते हैं, तो 120 इंटू 120 कर देंगे, ठीक है। अब पहले कितना था, 100 गुणा 100, तो 100 गुणा 100 करते हैं तो कितना आया, 10,000 आया, और अब कितना आया, 14,400। तो इन दोनों में जब हम चेंज देख रहे हैं कि पहले 10,000 बैठ रहा है, 100% क्षेत्र त्रिज्या मान ली, तो त्रिज्या से क्षेत्रफल क्या निकला, 100 गुणा 100 करके 10,000, अब 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो गई त्रिज्या। त्रिज्या से क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, आप पाई वाई की टेंशन मत लो, केवल आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर, 120 गुणा 120 करोगे तो कितना आया, 14,400। इन दोनों में कितना अंतर है, 4,400 परसेंट, खत्म करोगे तो 100 का भाग, तो कितना बढ़ गया क्षेत्रफल, 44% बढ़ गया। इस तरह से आपने इस वीडियो के अंदर जो प्रतिशत प्रभाव वाले क्वेश्चन, ग्रैंडी से रिलेटेड आयत, वर्ग, वृत्त, इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, सिनेमा हॉल वाले कर सकते हो आसानी से। तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है,
और अगर ये आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करो, जिससे कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं बिना किसी ट्रिक और फॉर्मूला के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गंभीर सर आप सभी का वाईफाई क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वाईफाई क्लासेस आ रहा होगा रेड कलर में, उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके सामने आने वाले बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का रेगुलर अपडेट मिलता रहे। जो लड़के अगर टेलीग्राम से जो वाईफाई क्लासेस चैनल है वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, साइंस की, टेक्निकल की और भी रीजनिंग वगैरह, मैथ्स, और फेसबुक पेज वाईफाई क्लासेस को सर्च कर सकते हो और उसके साथ जुड़ सकते हो। जो जो भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएगी। आपको ये वीडियो जो Part 4 है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें हम प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो आपको ट्रिक वगैरह भूल जाते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। क्लियर? तो बिना ट्रिक से हम आगे भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि बिना ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट बेसिस होते हैं जिनका इजीली आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि दो वस्तु प्रत्येक 1100 रुपये में खरीदी गई, मतलब दोनों का क्रय मूल्य क्या है? समान, जिसमें प्रथम वस्तु जो है वो 10% लाभ पर है जबकि दूसरी वस्तु 10% हानि पर बेचने से पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आपको मैं क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद आपको जब ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप क्लियर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूँ आप सपोज 100 100 रुपये की दो वस्तु खरीद के लाए, 100 की दूसरी 100 की, एक को यदि 10% लाभ से बेच रहे हो तो कितने की बेचोगे? 110। दूसरी को यदि 10% हानि से बेच रहे हो तो कितनी की बेचोगे? 90। खरीदी कितने की थी टोटल? 200 की, और बेची कितने की है टोटल? 200 की। तो क्या कुछ हुआ, लाभ हानि कुछ हुई? नहीं हुई। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो इसमें आपको क्रय मूल्य दोनों में क्या दे रखा है? समान, एक 1100 की है दूसरी 1100 की है, एक पर 10% का लाभ है दूसरी पर 10% की हानि है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना लाभ होगा ना हानि, क्या आएगा आंसर? 0। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन में क्रय मूल्य जब समान दिया गया है और दो वस्तुएं एक समान लाभ से और एक समान हानि से बेची गई हैं तो उस तरह के क्वेश्चन में ना लाभ होता है ना हानि होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि दो वस्तु जिन्हें क्रमशः 30% लाभ व 30% हानि पर बेचने से, एक 30% लाभ से बेची गई है दूसरी 30% हानि से बेचने से, दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य समान हो, दोनों वस्तुओं के क्या समान है इस क्वेश्चन में? विक्रय मूल्य, तब पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? क्लियर? तो अगर आपको विक्रय मूल्य जब समान दे रखे हों और एक समान लाभ से और एक समान हानि से दो वस्तुएं बेची गई हों तो उस क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है? हानि होती है। क्या होती है? हानि। और वो हानि कहाँ से निर्भर करेगी? आपकी जो परसेंटेज दे रखी है 30% है, 30% की जब आप भिन्न बनाओगे तो परसेंट खत्म करने के लिए किसका भाग देते हैं? 100 का, 3/10 हो गया, मतलब एक पर 3/10 का नुकसान है तो दूसरे पर भी कितने का होगा? 3/10, क्योंकि एक पर 30 लाभ है और दूसरे पर क्या? हानि। तो पूरे सौदे में क्या आएगी निकल कर? हानि। तो इसको मैं प्लस बोलूँ और इसमें क्या बोलूँ? माइनस। अगर आप कभी भूल भी जाओ तो ऐसे भी कर सकते हो, 30% की भिन्न बनाई, क्या बनी? 3/10 बनी, और उस 30% की भिन्न भी क्या बनी? 30, 3/10। कोई नहीं सिखाता, ये अलग ही कंसेप्ट है बिना ट्रिक के, आपको अगर सीखना है तो ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस करते हैं तो क्या आता है? माइनस, और माइनस का मतलब क्या होगा? हानि होगी। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आया? 9। अब ये नीचे 10 गुणा 10 किया तो क्या आया? 100। और परसेंट में अगर आपको निकालना है कि कितने परसेंट हानि हुई है तो 100 का गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो कितने परसेंट की हानि हुई? 9% की। क्लियर? इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे होता कि एक पर 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 20% की हानि हो रही है और विक्रय मूल्य क्या है? समान, तो 20% की आप भिन्न बनाते तो क्या बनती? 20 एकम 20, 20 पंजे 100, क्या बनी भिन्न? 1/5, एक पर लाभ के लिए प्लस की और दूसरी पर हानि के लिए माइनस की। इनका जब गुणा करोगे प्लस इंटू माइनस तो क्या आएगा? माइनस। 5 का गुणा 5 से किया 25, और परसेंट में लाने के लिए किसका गुणा कर दिया? 100 का, 25 चौका 100, माइनस के कितने परसेंट आ गया? 4%।
तो हानि कितने परसेंट की हो गई, 4% की हानि हो गई। और दूसरा तरीका, आपको ये वाला है जो पहली डिजिट होती है, जैसे 10, 20, 30, 40 जो भी है, तो पहली डिजिट जो होती है उसका वर्ग कर दो, 2 है तो 4, 3 है तो 9। अगर ये 70-70 है तो 7 का वर्ग 49, और हमेशा आंसर क्या आएगा, हानि आएगी। ये इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हो कि क्यों हानि होती है। क्लियर, अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगर जिनको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को इस चैनल से जोड़ सकते हैं, जिससे कि वो भी आसानी से बिना ट्रिक के साथ और ये कंसेप्ट बेसिस से मैथमेटिक्स आसानी से सीख सकते हैं। क्लियर, तो थर्ड क्वेश्चन है इस वीडियो का, यदि 2 वस्तु कुल 5700 रुपये में खरीदी गई थी, कुल कितने में खरीदी गई थी, 5700 में। हमें नहीं पता कि कौन सी महंगी खरीदी, कौन सी सस्ती खरीदी थी, ठीक है। आगे बोला गया है, जिन्हें क्रम से 20% लाभ व 40% हानि पर बेचने पर, एक को तो 20% लाभ से बेचा गया है और दूसरी को 40% हानि से बेचा गया है, ठीक है। पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि। अगर मैं बोलूं इसको 20% लाभ से बेचूं, इसको 40% हानि से बेचूं, तो मुझे पूरे सौदे में यानी कि मिश्रण जो हो रहा है वो क्या है, ना लाभ ना हानि, तो क्या हुआ, 0। 20 और 0 का अंतर कितना होता है, 20। 40 और 0 का अंतर क्या होता है, 40। इनका अनुपात बना देते हैं, 20 × 40, 20 × 1 = 20, तो अनुपात क्या आया, 2:1, कि सपोज़ ये 2 रुपये की खरीदी गई है तो ये कितने की खरीदी गई है, 1 रुपये की। क्लियर, ये 20% लाभ से थी, ये 40% हानि से। 20 में 0 का अंतर किया 20, 40 में और 0 में अंतर किया 40, इनको काट दिया तो अनुपात क्या आया, 2:1, ठीक है। अब आपको ये क्या करना है कि ये सपोज 2 रुपये की खरीदी है, ये 1 की खरीदी है, तो कुल कितने की खरीदी हमने, 3 की। और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमने तो 5700 की खरीदी है, और हमारा कंसेप्ट क्या निकल के आ रहा है, 3। तो 3 = 5700, तो कितना गुना, 1900, 1900 + 5700 होता है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितना है, 2 में 1900 का गुणा कर देंगे, तो 1900 × 2 = 3800। और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1 में 1900 का गुणा कर देंगे, कितना आया, 1900। यानी कि ये वाली 3800 में खरीदी है, ये 1900 में खरीदी है। आप खुद भी करके देख लेना, आप जो भी तरीके से पढ़ते हो कि इसी तरह से आपके आंसर यही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आपने ट्रिक याद की होंगी, वो ट्रिक व्रिक भूल जाते हो एग्जाम में, जिससे ज़्यादा स्कोर भी नहीं हो पाता है। इसी क्वेश्चन में मैं एक थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक और अलग टाइप से कर रहा हूँ। यहाँ तो मैंने बोला गया था कि पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि, अब की बार मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान प्राप्त होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके क्वेश्चन नंबर 4th बना देता हूँ इस वीडियो का। यहाँ पे मैंने वो लिख दिया है, 1 पर 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है, ठीक है। और भले ही क्वेश्चन में कुल 5700 रुपये ही आपको दे रखा है, बेचने से दोनों का विक्रय मूल्य समान प्राप्त होता है, ठीक है। तब दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, देखो अब आपको यहाँ पर बोला गया है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो आप विक्रय मूल्य बनाओगे। एक अगर क्रय मूल्य हम क्या मानते हैं, 100%, तो 10% लाभ से बेचोगे तो आप कितने की बेचोगे, 110 की। पिछले वाले में तो हमने लाभ हानि सीधे ही लिखे थे, क्योंकि उसमें ना हमें लाभ हो रहा था ना हानि हो रही थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं, तो हमने विक्रय मूल्य बनाना है। सपोज 100% की खरीदी है, 10% का लाभ कमाया है, तो कितने की बेची है, 110। दूसरी 20% हानि से, तो 100 की खरीदी है, 20% की हानि हो गई, तो कितने की, 80 की। दोनों के विक्रय मूल्य समान प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 0। 110 में से 0 घटाए 110, 80 में से 0 घटाए 80। अनुपात बनाएंगे तो क्या अनुपात आया, 8:11। कितना अनुपात आया, 8:11। तो ये सपोज 8 की खरीदी है पहली वाली, तो दूसरी कितने की खरीदी है, 11। तो कुल कितने की खरीदी है, 19 की, 11 और 8 = 19। और यहाँ पे कुल कितना है, 5700। तो 19 + 3 कितना होता है, 57, यानी कि 300 गुना आ गया। तो पहली में भी 300 का गुना कर देंगे, तो 300 × 8 किया तो कितना हुआ, 2400।
और 11 में 300 का गुणा किया तो कितना हुआ, 11 तिया 3300, मतलब पहली वस्तु हमने 2400 की खरीदी है, दूसरी 3300 की। जिनको ये वीडियो अच्छी लगी हो वो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझाया है। जो पहली बार इस गुणे का नियम देख रहे हैं वो बैक करके वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व करना आ जाए। और आप फेसबुक पेज वाईफाई क्लासेस, टेलीग्राम पर वाईफाई क्लासेस सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और मैथमेटिक्स और जनरल साइंस की वीडियो मैं कंटिन्यू अपलोड कर देता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गंभीर सर आप सभी का वाईफाई क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो नंबर 5 है, ठीक है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी वे में, कंप्लीट मैथमेटिक्स इस चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। जो भी RRB JEE RRB NTPC SSC एग्ज़ाम और ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ करके अपना टाइम बचाने वाले कंसेप्ट और बिना ट्रिक फॉर्मूले से आसानी से आप मैथमेटिक्स कर सकते हो। क्लियर। सो हम इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी वस्तु को 925 रुपये में बेचने के स्थान पर 850 रुपये में बेचने से 7.5% की हानि हो जाती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अगर आप किसी वस्तु को पहले 925 रुपये में बेच रहे थे, उसके बाद आपने उसको 850 में बेचा है, आपने उसको कम में बेचा है तो डेफिनेट हानि होगी। क्लियर। अगर आप उसे महंगी बेचते, 925 से और महंगी बेचते, तो हो सकता है कि आपको लाभ भी हो सकता है। क्लियर। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो भी हो, तो मैं आपको एक क्लियर बोल देता हूँ कि आपको जो क्रय मूल्य है वो आप 100% मानोगे, ठीक है। पूरी प्रॉफिट लॉस में क्रय मूल्य कितना मानोगे? 100%। पहले आप 925 की बेच रहे थे, अब 850 की बेच रहे हो। ये जो इस वीडियो है ना, ये वाली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ से आपका क्वेश्चन का लॉजिक छुपा हुआ है आंसर निकालने का, ठीक है। 925 के स्थान पर कितने की बेच रहे हो? 850। तो 925 और 850 का जो अंतर है वो कितने रुपए? हमने कमी कितने रुपए की? 75 रुपए की। और हमें हानि में जो वृद्धि हो रही है वो कितने परसेंट की? 7.5। इस 75 रुपए की कमी के कारण ही तो 7.5% का नुकसान हो रहा है। 7.5% बराबर 75, तो 7.5 का कितना गुना है 75? 10 गुना। पूछा क्या गया है? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य होता है 100%, उसमें भी 10 का गुणा कर देंगे, तो 100 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 1000 रुपये आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितने रुपये आ गया? 1000 रुपये। ये RRBJEE 2015 का क्वेश्चन है। क्लियर। इस तरह से आप कर सकते हो। कितना टाइम लगेगा? बहुत ही कम टाइम है, और आप क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो तो वहीं पर ये इसका लॉजिक पकड़ा और बिना ट्रिक फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 4500 रुपये में बेचने से 10% की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। देखो, क्रय मूल्य कितने परसेंट मान लेंगे? 100% होता है। किसी वस्तु को हम खरीद के लाए, कितने परसेंट की लाए? 100%। अब 4500 रुपये में बेचने से कितने परसेंट की हानि होती है? 10। तो आप 100% की खरीद के लाए तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? अगर 10% की हानि हो जाती है, हानि अगर 10% की होगी तो बेचेंगे कितने की? 90 की। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 90%। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसे हम कितने में बेच रहे हैं? 4500 में। तो हमने यहां से निकाला कि 90%, और क्वेश्चन कह रहा है कि 4500, 0 से 0 कितना गुना है? 9 पंजे 45, 1 0 हो रहा है तो कितना गुना है? 50 गुना है, ठीक है। 9 में अगर 50 का गुणा करें तो कितना आएगा? 450। लेकिन उस वस्तु पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो, ये गुना 50 गुना है। अब अगर जो भी चीज़ मुझे पूछेगा, जैसे क्रय मूल्य पूछता, तो क्रय मूल्य में मैं कितने का गुणा कर देता? 50 का। 100 गुणा 50 करते तो क्रय मूल्य कितना आ जाता? 5000। लेकिन मुझे क्रय मूल्य नहीं पूछा है, मुझे ये पूछा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर 100% की आप खरीद रहे हो, 25% का लाभ प्राप्त करना चाहते हो, तो कितने की बेचोगे? 125% की। यही होगा विक्रय मूल्य। 100% की खरीदी, 25% का लाभ, तो बेचेंगे कितने की? 125। उसमें भी कितने का गुणा कर देंगे? 50 का।
ये आपका जो गुणा आता है वो आपको पूरे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें अगर कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है तो वही आपको गुणा यूज़ करना है। तो 125 में जब आप 50 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6250। क्लियर। 125 का गुणा 5 से करेंगे तो 625, 0 है तो 0। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6,625 रुपये हो गया। क्लियर। इस तरह से आप और भी अपनी प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन हो उन्हें सॉल्व कर सकते हो इसी कंसेप्ट से। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करें, लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को इस चैनल पर जोड़ें। ये RRB ग्रुप डी 2018 का एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी सॉल्व कराया है। क्वेश्चन थर्ड है, 2 रुपये प्रति 3 टॉफ़ी की दर से कुछ टॉफ़ी खरीद कर 4 रुपये की 6 टॉफ़ी बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। देखो आप लिख दो ऐसे, 2 रुपये की कितनी टॉफ़ी है, 3 टॉफ़ी खरीदी है, तो ये क्या है, क्रय क्रय मूल्य। अब 4 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची है, 6 टॉफ़ी, तो ये क्या है, विक्रय। आपसे पूछा गया है कि लाभ या हानि क्या होगा, 2 रुपये की 3 टॉफ़ी खरीदी है, 4 रुपये की 6 टॉफ़ी बेची है। तो आप सबसे पहले कंसेप्ट समझ लो जिस कंसेप्ट को आपको यूज़ करना है, कितने भी टफ क्वेश्चन हो इसमें मैं एक मॉडिफाई करके एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 रुपये की 3 टॉफ़ी खरीदवा रहा है, कुछ और टॉफ़ी भी खरीदवा रहा है, फिर लास्ट में उनको हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ 3 टॉफ़ी है और यहाँ कितनी टॉफ़ी है, 6। आपको टॉफी हो, सेब, संतरा, मौसमी, कुछ भी हो, उसको वस्तुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो ये 3 टॉफ़ी हैं, ये 6 टॉफ़ी हैं, मैं इसमें कितने का गुणा कर देता हूँ, 2 का। तो कितनी टॉफ़ी हो जाएंगी, ये 3 गुणा 2 होकर के 6 टॉफ़ी हो जाएंगी। आपने 2 का गुणा यहाँ किया है तो रुपए में भी कितने का कर दोगे, 2 का, तो कितना हो गया, 4 रुपये। तो 4 रुपये की कितनी टॉफ़ी खरीदी है, 6, और फिर 4 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची है, 6। इसका मतलब आपको कुछ हो रहा है क्या, लाभ हानि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ना लाभ होगा ना हानि, 0% रहेगा, ठीक है। 2 रुपये की 3 टॉफ़ी खरीदी थी, समान करने के लिए मैंने 2 का गुणा किया है, तो 3 दूनी 6 टॉफ़ी, और इस तरह से रुपए में भी उतना ही गुणा करना है जितना यहाँ पे किया है, 2 का किया है तो यहाँ पे 2 का, 2 दूनी 4 रुपये की, 4 रुपये की 6 टॉफ़ी खरीदी है, 4 रुपये की 6 टॉफ़ी बेची है, तो कोई भी लाभ हानि नहीं होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम एक मॉडिफाई क्वेश्चन इसी को कर देते हैं, जैसे कि 2 रुपये प्रति 3 टॉफ़ी की दर से कुछ खरीदता है और कुछ इसमें और बोल देता है, कुछ तो हमने 2 रुपये की 3 खरीदी है और कुछ 3 रुपये की 4 टॉफ़ी खरीद कर और उन सबको 4 रुपये की 6 टॉफ़ी की दर से बेच देता है, तो अब लाभ यानी क्या होगा, ठीक है। तो देखो 2 रुपये की 3 टॉफ़ी खरीदी है, 2 रुपये की 3 टॉफ़ी, फिर 3 रुपये की कितनी टॉफ़ी खरीदी है, 4 टॉफ़ी। ये तो जो बोला गया है वो क्या है, क्रय मूल्य वाली बोली, ठीक है। अब इसमें आप पहले तो क्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या समान करोगे, तो 3 है और 4 है, इनको समान कैसे कर सकते हैं, इसमें 4 का गुणा कर दें तो कितनी टॉफ़ी हो गई, 12 टॉफ़ी, इसमें 4 में कितने का कर दें, 3 का, तो ये भी कितना हो गया, 12। तो वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई, 12 12 हो गई, ये 12 टॉफ़ी और ये भी 12 टॉफ़ी। आपने यहाँ पे 4 का गुणा किया है तो इसमें जब 4 का गुणा करोगे तो कितने रुपए, 8 रुपए। इसमें 3 का किया है तो इसमें 3 का करोगे तो 3 गुणा 3 9 रुपए। अब देखो 8 रुपए की 12 टॉफ़ी खरीदी है और 9 रुपए की कितनी खरीदी है, 12, तो आपने कुल टॉफ़ी कितनी खरीदी, 24 टॉफ़ी, और खरीदी कितने की है, 8 और 9 17 रुपए की, 17 रुपए में 24 टॉफ़ी खरीद ली। अब आप बेच क्या रहे हो, 4 रुपए की 6 टॉफ़ी बेच रहे हो, 4 रुपए की कितनी टॉफ़ी, 6 टॉफ़ी बेच रहे। अब हमें क्या करनी है, इनकी संख्या समान करनी है, यहाँ 24 टॉफ़ी है, यहाँ 6 टॉफ़ी है, तो इसमें कितने का गुणा कर देते हैं, 4 का, तो इसमें भी कितने का कर देंगे, 4 का, 4 का गुणा 4 से किया तो कितने रुपए, 16 रुपए। अब आपका क्रय मूल्य कितना आ गया, 17 रुपये में 24 टॉफ़ी और यहाँ पे 16 रुपये में 24 टॉफ़ी बेची है, ठीक है। तो आपको 17 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हो, 16 में बेच रहे हो, तो आपको नुकसान कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपए का।
अगर हानि पूछता है तो 1 रुपए की, लेकिन हानि प्रतिशत यदि पूछेगा तो कितने का? 17 की खरीद रहे हैं, 16 की बेच रहे हैं, 1 रुपए का नुकसान हो गया। हमेशा लाभ हानि किस पर होते हैं? क्रय मूल्य पर। तो 1/17 और परसेंट में लाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 100 का। 17 बटे 85 और फिर 15 0 17 8 136, लगभग कितने परसेंट का? 5.8% का क्या हो गया? नुकसान। तो देखो, ये मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया। सबसे पहले हमें क्या बोला था कि 2 रुपए की कितनी टॉफी? 3 टॉफी। 3 रुपए की 4 टॉफी खरीद रहा है। इनकी संख्या समान की, इसमें 4 का गुणा किया, 3 चौका 12, तो यहाँ भी 4 का कर दिया, 2 चौका 8। ये 4 टॉफी थी, इसमें 3 का गुणा कर दिया क्योंकि हमें वस्तुओं की संख्या क्या बनानी है? समान। तो यहाँ 3 का किया है तो इसमें भी 3 का कर दिया, तो कितना आया? 3 दिया 9। 8 और 9 17 रुपये में कितनी टॉफी खरीदी? 12 और 12 24। बेची कितनी है? 4 रुपये की 6 टॉफी। तो 4 रुपये की 6 टॉफी, इनको समान करना है वस्तुओं की संख्या, तो 6 में 4 का गुणा कर दिया 24, तो यहाँ भी 4 का कर दिया, 4 चौका 16। मतलब हमें क्या समझना है कि जो भी वस्तुओं की संख्या दे रखी है वो क्रय और विक्रय वस्तुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इजी हो जाता है ना, फिर आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत होगी ना फॉर्मूले की ज़रूरत होगी। सो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर 4 क्वेश्चन बताए और वो आपको बहुत ही हेल्पफुल तरीके से 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सॉल्व करा दिए हैं। क्लियर? तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को इस चैनल से जोड़ें जिससे कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स कंप्लीट पढ़ सकते हैं। आपके RRB JEE एग्जाम से पहले कंप्लीट मैथमेटिक्स इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, जो भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपको कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गंभीर सर आप सभी का वाईफाई क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस तरह से रेड कलर में वाईफाई क्लासेस आ रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके सामने आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको मेरी वीडियो का रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट 6 है, इससे पहले मैं आपको 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन थे जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं उनको सॉल्व किया था विदाउट ट्रिक एंड फार्मूला के, ओनली कंसेप्ट बेसिस। ये वीडियो 8 से 10 मिनट की होगी जिसमें आप इन 3 या और भी 1-2 क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में जो आप ट्रिक वगैरह यूज करते थे और फिर एग्जाम के अंदर जाकर ये भूल जाते थे कि कब प्लस यूज़ करना है कब माइनस, तो उस तरह के झंझट से आपको मुक्त हो जाना है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको जो भी एक रूट मैप बनाना सीख गया और वो अभी सीख जाएगा थोड़ी देर में, 10 से 12 सेकंड में वो इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है, लेकिन मैं अभी आपको धीरे धीरे ही समझाऊंगा जिससे कि आप स्लो मोशन में उसे आसानी से सीख जाओ, फिर आप अपनी प्रैक्टिस करोगे तो 8 से 10 सेकंड ही लगेंगे। क्लियर? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो हमें कितने परसेंट एज्यूम करना है, 100% मान लेना है। कितना होता है? 100%। जैसे मैंने लिख दिया कि क्रय मूल्य जो है वो किसी भी वस्तु का कितने परसेंट होता है? 100%, पहला क्रय मूल्य, क्योंकि इसमें घुमाता है, ये कर दें वो कर दें ये कर दें, तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ से बेचता है, 100% की यदि खरीदेगा और उस पर 10% का उसे लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? फर्स्ट विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? पहली कंडीशन, क्रय मूल्य 100%, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10% का लाभ कमाएगा तो 110। आगे क्या कह रहा है? यदि वह से 4% कम में खरीदे, तो पहले उसने 100% में खरीदी थी, अब 4% कम में खरीदेगा तो क्रय मूल्य सेकंड लिख दिया, क्रय मूल्य सेकंड, तो 4% कम में खरीदेगा तो कितने की खरीदेगा? 96% की। ठीक है, 4% कम में खरीदे, आप बनाते चलोगे ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एग्जाम के अंदर। फिर कह रहा है, और 100 रुपये अधिक में बेचे, पहले कितने का बेचा था, विक्रय मूल्य कितना था? 110%, तो अब नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य सेकंड। क्या कह रहा है? 100 रुपये अधिक में बेचे, पहले 110% की बेची थी, उसमें प्लस में कितने रुपए? 100 रुपये अधिक में बेचे, कितने रुपए अधिक में बेचे? 100 रुपये। तो ये 110 में 100 ऐड कर देंगे, रुपए ये परसेंट है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। ये मैंने विक्रय मूल्य सेकंड निकाला है, लाभ हानि किस पर होते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य सेकंड क्या है? 96%।
इस 96 पर ही तो उसे 25% का लाभ होगा। ठीक है, पहले बोला था हमने क्रेमुल 100% है, उस पर 10% का लाभ से बेचेगा तो 110। फिर कह रहा है नहीं वो 4% कम में खरीदे, तो क्रेमुल सेकंड 100 में से 4 गया तो 96। और फिर कह रहा है यदि उसे वो 100 रुपये अधिक में बेचे, तो पहले कितने की बेची 110 की, अब उसमें 100 रुपये ऐड कर देंगे, अगर कम की बेचता तो माइनस कर देते, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है 25% का। तो क्रेमुल पर होगा लाभ, क्रेमुल सेकंड कितना है 96, 25% का मतलब होता है 1/4 का लाभ, तो 96 का 1/4 होता है 24%, कितना हो जाएगा 24, 96 का जब 25% निकालोगे तो 24 होगा। अब इस पर लाभ हो रहा है 96 पर, तो 96 प्लस 24 कितना हो गया विक्रय मूल्य सेकंड, 96 प्लस 24 करेंगे तो कितना हो गया 120%, ये विक्रय मूल्य सेकंड हमने यहाँ से निकाल दिया, और ये विक्रय मूल्य सेकंड ये भी है, तो दोनों ही ये क्या होते हैं बराबर, तो 120% में इसको ऐड कर देंगे, वो बराबर कर देंगे 110% प्लस 100, ये 110 जब इधर की तरफ आएगा तो क्या बचा 120 माइनस 110 10% बराबर कितना 100, 10% बराबर 100 तो कितना गुना 10 गुना। तो पूछा क्या है, तो उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य 100% होता है, इसमें भी 10 का गुना कर देंगे, कितना गुना आया है 10 गुना, तो अपना आंसर कितना आ गया 100 में 10 का गुना किया तो 1000। इस तरह से हमने बहुत ही इजी वे में इस तरह के क्वेश्चन को इजीली कर लिया है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको, सेकंड क्वेश्चन इसी तरह का है, तीन क्वेश्चन का सेट मैंने आपको बनाया है इस वीडियो में, जिससे कि मैं आपको आसानी से इस टॉपिक को क्लियर करा दूं और आप ट्रिक वगैरह के जो झंझट है उससे मुक्त हो जाओ। क्लियर, सेकेंड क्वेश्चन है, यदि किसी फ्रिज को 20% लाभ से बेचा जाए, क्रय मूल्य फर्स्ट कितना है 100%, और 20% लाभ से बेचा जाए तो कितने की बेचेंगे 120% की बेचेंगे, लेकिन उसे 10% कम में खरीद कर, तो पहले 100 की खरीदा गया था तो अब कितने की खरीदेंगे 10% कम का मतलब 90% में, 10% कम में खरीद कर और 36 रुपये कम में बेचकर, तो पहले 120% की बेचा था अब कितने की बेचेंगे 120% माइनस 36, क्योंकि कम की बोल रहा है 36 रुपये कम तो मतलब घटाएंगे, और अगर ज़्यादा के लिए बोलता तो प्लस करते। सपोज आप पहले 120 की बेच के आए किसी चीज़ को, अब कह रहा है कि नहीं 36 रुपये कम में बेचो, तो आप घटाओगे ही, तब हमें कितने का लाभ प्राप्त होता है 20% का। अब देखो लाभ कहाँ पे होगा, क्रय मूल्य सेकंड पर होगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था, तो 90 का 20%, 20% का मतलब कितना होता है पाँचवा हिस्सा, 90 का पाँचवा हिस्सा यानी कि 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी कि 90 पे कितने का फायदा हो रहा है 18 का, तो विक्रय मूल्य सेकंड कितना बन गया 90 प्लस 18 108%, ये हमने बना लिया यहाँ से 90 पर 20% का फायदा करके, और ये विक्रय मूल्य हमने पहले बना लिया था, तो दोनों ही ये क्या होंगे बराबर 120% माइनस 36। अब देखो 108 को जब इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, पक्षांतरण करेंगे तो 120 में से 108 घटाए तो कितना हो गया 12%, ये इधर की तरफ आएगा तो किसका हो गया प्लस का, तो 12% बराबर 36 तो कितना गुना 3 गुना, 12 3 36, तो 100% में भी कितने का गुना कर देंगे 3 का, 100 का गुना 3 से किया तो कितना हो गया 300 रुपये। इस तरह से इसी रूट मैप में आपने बस वो लिखते जा रहे हो, क्वेश्चन होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ ट्रिक एग्जाम के अंदर भूल जाते हैं, उल्टा सीधा घूम के आ गया प्लस का माइनस का, तो फिर रॉन्ग आंसर आता है। क्लियर, तो इस तरह से आपने दो क्वेश्चन को इस तरह से कर लिया, और ये अगला क्वेश्चन है वो भी आप इजीली कर लोगे जैसे मैं करा रहा हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को इस चैनल पर जोड़ें, जिससे कि वो भी अपना फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स इजी वे में और 100% श्योरिटी के साथ सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कार 20% लाभ पर बेची जाए, तो फर्स्ट क्रय मूल्य हमें कितना मान लेना है 100%। ठीक है, 20% लाभ पर बेची जाए तो हम ज़्यादा की बेचेंगे इधर की तरफ, ज़्यादा के लिए आपको इधर चलना है, अगर कम के लिए बोलता तो इधर की तरफ लिखते, 100% क्रय मूल्य कितने की बोल रहा है 20% लाभ पर बेची जाए तो कितने की बेचेंगे 120 की, लेकिन 10% सस्ता खरीद कर, तो पहले 100% की खरीदी है तो अब कितने की खरीदेंगे, अगर सस्ती खरीदनी है तो 90 की खरीदेंगे, और पहले से 12 रुपये कम में बेचकर, तो पहले 120% की बेची है तो अब कितने की बेचेंगे 120% माइनस 12 कम की भी बोल रहा है, 30% का लाभ होता है, तो किस पर होगा क्रय मूल्य सेकंड पर होगा 30% का, तो 90 का 30% क्या होगा 9 या 27,
तो 90 पर कितने का फायदा हो गया, 27 का। 90 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 117। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य सेकेंड। 117 आ गया क्योंकि 90 पर 27 का फायदा हो रहा है, तो 117 बराबर इसके होगा 120% माइनस 12। ये भी विक्रय मूल्य सेकंड है और ये भी विक्रय मूल्य सेकंड है, दोनों क्या होंगे बराबर। 117 को उधर भेजते हैं तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 120 में से 117 गए तो 3%, 12 को इधर लाते हैं तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 3% बराबर 12, तो कितना गुना, 4 गुना, 3 चौका 12। ऐसे ही क्रय मूल्य जो 100% है उसमें भी कितने का गुणा कर देंगे, 4 का। तो 100 का गुणा कितने से कर दिया, 4 से। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ गया, 400। इस तरह से आपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना सीखा है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ मॉडिफाई मैं और कर देता हूँ, कि जैसे मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए वो आपको पहले लाभ लाभ देखे कराए थे, ठीक है, तो आप भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपको क्रय मूल्य पता है 100%, फिर कह रहा है यदि उस वस्तु पर 10% की हानि होती है तो आप उसको इधर ही बेचोगे, तो 100 पर 10 की हानि हो रही है तो कितने की बेचोगे, 90 की। फिर कह रहा है यदि उस वस्तु को 20% अधिक में भी खरीदा जाता तो आप कितने की खरीदते, क्रय मूल्य सेकंड कितना होता, 100 प्लस 20% अधिक में खरीदते तो 120, ऐसे लिखते। फिर आगे भी कुछ कंडीशन दे रखी है, तो आप ये वाला ऐसे मान लो कि यहाँ पर है, अगर अधिक के लिए बोलेगा तो मैं इधर की तरफ लिखूंगा, और अगर कम के लिए बोलेगा तो मैं इधर की तरफ लिखूंगा। क्रय मूल्य फर्स्ट और सेकंड आप लिख सकते हो। इस तरह से मैंने आपको 3 क्वेश्चन का सेट इस वीडियो के अंदर क्लियर कराया है। आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को इस चैनल पर जोड़ सकते हो। मैथमेटिक्स, साइंस और रीजनिंग और इलेक्ट्रिकल टेक्निकल इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हो। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैटर है वो एग्जाम के टॉपिक वाइज ही मैं आपको अपलोड कराता हूँ, ठीक है। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल वाईफाई क्लासेस से आप जुड़ सकते हो, जिससे कि वहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर पाओगे। और जो भी फेसबुक पेज वाईफाई क्लासेस या ग्रुप RRB JEE 2019 से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।